राजनीतिक मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। धनंजय गिरी जी, आपके पास सबसे पहले आ रही हूँ। खेला कर दिया आपने। पहले कहते थे कि बिहार में भ्रष्टाचार है, नीतीश सरकार है, बिहार में अपराध है, नीतीश सरकार है। अब कह रहे हैं कि बिहार में विकास है तो नीतीश सरकार है। नहीं पूजा जी, देखिए ऐसा है कि हम लोग लंबे समय तक साथ रहे हैं और नीतीश कुमार जी की अगर आप राजनीतिक यात्रा देखेंगे तो उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा क्या है, नीतीश कुमार जी ने जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी और एक स्तुत्य प्रयास किया और हम लोगों ने उनका साथ दिया। हम लोगों ने लगातार उनके साथ बड़े दल होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी देश ने दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। लेकिन नीतीश कुमार जी के पूरे अगर जीवन की लाइफ की जर्नी को अगर आप देखेंगे तो उनको बिहार इसी रूप में जानता है। उन्होंने वो बिहार की जो बजबजाती व्यवस्था थी, जो जंगल राज का आलम था, उसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया था और हम लोगों ने साथ में संघर्ष किया था, एक साथ मिलकर संघर्ष किया था। और नीतीश जी ने पिछला चुनाव भी यही कहा था, याद है ना वो जंगल राज, अभी भी वो साथ में होते हुए भी कई बार मंचों से इस बात को शेयर करते हैं। और अभी पिछले बार कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती में उन्होंने परिवारवाद पर हमला किया। बिहार में एक परिवार है जो पॉलिटिकल फार्मिंग करता है और उसमें से आदमी को छोड़िए पशुओं के चारे को भी नहीं छोड़ते हैं। तो उस पॉलिटिकल फार्मिंग और परिवारवाद के खिलाफ बोलना और सच को सच कहना ये तो बिल्कुल सहजायज बात है। लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ लंबे समय तक रहे और भारतीय जनता पार्टी के लिए दल नहीं देश महत्वपूर्ण है, हमारे लिए प्रदेश महत्वपूर्ण है। आज देश के दुनिया के हर कोने से हर व्यक्ति यही कह रहा है, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नेशन खड़ा है, एक एक व्यक्ति खड़ा है, हर कोई राष्ट्र की संविधान में अपनी यज्ञ में आहुति देना चाहता है, अपने आप को लगाना चाहता है, जोड़ना चाहता है, हर कोई चाहता है कि इस नेशन के विकास में अगर जुड़े। हमारे लिए बिहार महत्वपूर्ण है, बिहार में जो जंगल राज का वो दौर ना आ जाए जो एक समय रहा है। तो हम लगातार इस प्रयास में रहे हैं और हम लोगों ने हमेशा दल को किनारे रखा है, देश को और प्रदेश को हमेशा सिर्फ पर रखा है, एकदम राष्ट्र एकदम नमः। आज हमारे पास जो नेतृत्व है जनशक्ति, नरेंद्र मोदी जी के पास है विशाल जीवन का पुख्ता अनुभव, व्यापक परिवर्तन, विस्तृत जानकारी, आत्मसमृद्ध व्यक्तित्व। क्या सुर बदले हैं बीजेपी के बहुत आज अभी तक। उससे पहले जब हम डिबेट करते थे धनंजय जी, तो बिहार में जंगल राज है नीतीश की वजह से है ये सब कहते आप नजर आते थे। आज जंगल राज को उन्होंने साफ किया, आज ये कह रहे हैं बिहार में जंगल राज के खिलाफ लड़ाई नीतीश जी ने लड़ी थी। वो जंगल राज के साथ जिन परिस्थितियों में गए नहीं गए उनका प्रोरोगेटिव था, उनको तय करना है आना। नीतीश जी हमारे साथ थे, नीतीश जी गए हैं, नीतीश जी आ रहे हैं। या आप जैसे चर्चाएं मैं आपके तो चैनल के माध्यम से सुन रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपने आधी आधी बात काट रही मेरी। मैंने कहा कि नीतीश जी गए और नीतीश जी आ रहे हैं, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सुन रहा हूँ जिस पर आप मुझसे सवाल कर रही। आना आना है जाना है तो समय बताएगा, कुछ देर की खामोशियां है फिर शोर आएगा, वक्त अभी थोड़ा ठहरा है फिर सत्य निकल के आएगा। नहीं, जो बैठकें चल रही हैं, चिराग पासवान, तमाम जो बीजेपी के तमाम जो बिहार नेता हैं उन सबको तलब कर लिया गया है पटना, शाम को बैठक भी होने वाली है, आपके सहयोगी दल जो बिहार में है उनको दिल्ली तलब कर लिया गया है, तो ये सब बैठकें यूं ही तो नहीं चल रही ना, कुछ तो पक रहा है। पूजा जी अभी 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 एमपी का चुनाव है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का देश का चुनाव होने जा रहा है, उसकी तैयारियां, उसकी समीक्षा, उसकी बैठकें लगातार चलते रहती हैं और हमारे यहाँ तो बैठक और चलते ही रहता है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, हमारे साथ सहयोगियों का बड़ा समूह है, तो ये बैठकें तो हमारे यहाँ अविरल अविराम चलते रहती हैं। और अभी लोकसभा का चुनाव है तो बैठकें होना बहुत लाजिम है, स्वाभाविक है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से जो सुन रहा हूँ, इस जब वक्त आएगा तो सामने आएंगी चीजें। मतलब आप सुन रहे हैं लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा, ये कह रहे हैं आप? देखिए मैं उस लेवल का व्यक्ति नहीं हूँ, उस जानकारी के लिए मैं मुफीद व्यक्ति नहीं हूँ।